मग्नेवर्चो व्यवेस्वस्तु वयम् तिन्धानाः तन्नं पुषेम मह्यं नमन्ताम् प्रतिशश्चतस्रः प्रयाध्यक्षेण प्रतनाजेम हीता दीवसेना सूर्यकेतवः सचेतसः अमित्रान्नो जयन्तु स्वाहा। श्रद्धे आचार्य जी, प्रधान जी, श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, राष्ट्र प्रेमी आर्य सज्जनों, विद्वत वृंद, संत वृंद, समय हो गया। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो दूसरे वक्ता थे श्री ब्रिगेडियर साहब, वो आपको कारगिल ले गए थे, और कारगिल गए गए आपने इतने सब व्याख्यान सुने। आप बहुत ऊंचे ध्वनि से सुनते हैं, इसका अर्थ ये है। मैं न तो ओजस्वी वक्ता हूँ, न मैं तेजस्वी वक्ता हूँ, इसलिए मैं आपको कारगिल में बैठे बैठे सुनाऊँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको दिल्ली में और रोहिणी के अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में फिर बुलाता हूँ, आप आ जाइए। अब बताइए, आप आ गए क्या? अभी तो आप कारगिल में थे, क्योंकि आपने आपको किसी ने बुलाया नहीं, वो ब्रिगेडियर थे इसलिए आपको ले गए थे कारगिल। मैं एक साधु हूँ, मैं सम्मेलन में आपको पुनः बुलाना चाह रहा हूँ। जब आप आ जाएंगे तब मैं अपनी बात कहूँगा। आ गए आप, ठीक है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, राष्ट्र होता क्या है? राष्ट्र कोई भूखंड है? यदि इतना ही राष्ट्र है तो कुछ नहीं, उसका क्या बिगड़ता है? कोई भी राज्य करे, पृथ्वी वैसे ही रहेगी, कुछ वृक्ष वनस्पति कम हो जाएंगे, कुछ बढ़ जाएंगे। राष्ट्र भूखंड का केवल नाम नहीं है। राष्ट्र के अंदर पांच चीजें जो हैं अनुसूत हैं, जुड़ी हुई हैं। उसकी रक्षा करना, उनको आप जानेंगे तब उसकी रक्षा करेंगे, तब राष्ट्र रक्षा सम्मेलन होगा। पहली चीज क्या है? संस्कृति। दूसरी है सभ्यता। तीसरी है परंपरा। चौथी है मर्यादा। पांचवी है इतिहास। ये सारे पांचों चीजें मिल करके तब राष्ट्र शब्द से ये अब कही जाती हैं, अभिव्यक्त की जाती हैं। तो संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, आपकी परंपरा, आपका इतिहास। मैंने आपको दिल्ली में क्यों बुलाया? कारगिल में ठंडी हवा में आप विचरण कर रहे थे, मैंने इस गर्मी में क्यों बुलाया आपको? क्योंकि मेरा काम दिल्ली से होने वाला है। आप सागर जी बैठे हुए हैं, भाई कहां सूरवीर कहां लोग गए? यहां पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है कि तेग बहादुर कैसा था, यहां पढ़ाया जा रहा है कि राम और कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, यहां पढ़ाया जा रहा है एक जो वीर जाति उसको कहा जाए कि गुंडे थे, यहां यह पढ़ाया जा रहा है कि आर्य लोग बाहर से आए थे और गोमांस खाते थे, वो गणेरियों के गीत थे, वो वैसे ही कुटपुट गा रहे हैं, और आप कुछ नहीं उसके लिए कर रहे हैं। अरे सम्मेलन में ये प्रस्ताव कीजिए, अभी आ रही है ये पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, उस समय तक यदि पाठ्यक्रम नहीं बदला गया, ये विष नहीं निकाला गया, तो ये आर्यजन जो बैठे हुए हैं दयानंद के सैनिक, ये उन लोगों को बदलेंगे जिन लोगों ने ये खुराफात अपने हमारे पाठ्यक्रम में रखा है। ये कितना सरल कार्य है, और ये कल से प्रारंभ होना चाहिए। चोर जो है ऐसे नहीं, चोर की मां मरेगी तब चोर जाएगा। अब एक दृष्टांत दे रहे थे, गांव के लोग बता रहे थे, एक व्यक्ति गए अपनी लड़की के यहां, उनकी शिकायत मिली कि आपकी लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, ये दूध भी पी जाती है, मक्खन भी खा जाती है, दही भी खाती है, और ये भी मट्ठा भी पी जाती है।
वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा क्या करें, लड़की मूर्ख है। उन्होंने कहा फिर वो तो सोचे कि उल्हाना देंगे तो कुछ सोचेंगे। उन्होंने कहा मूर्ख बता रहे हैं। उन्होंने कहा यदि ये समझदार होती तो एक उल्हाना मुझे मिलता, दूध पी जाती, न मक्खन बनता, न दही बनती, न मट्ठा बनता, कुछ बनता ही नहीं। एक पी जाती, एक उल्हाना मुझे मिलता। आप जो लोग बैठे हुए हैं इसके बारे में आपने सोचा है? जनता उद्विग्न है। अभी जैन मुनि बोल गए 12 वर्ष तक बिना वस्त्र के महावीर घूमता रहा, ये पढ़ाया जा रहा है, यही नहीं दिल्ली में तो पढ़ाया जा रहा है। बताइए क्या है ये? तो मैंने 2-4 बातें आपको बताई, एक लंबी सूची है मेरे पास आई थी कि क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? लंबी सूची है। आप अपने कैप्टन साहब बैठे हुए हैं, आचार्य जी बैठे हुए हैं, अरे यही प्रस्ताव पारित करो कल से इसकी पूर्णाहुति हो, इसके बाद इस अभियान के विरोध में कि ये जो पाठ्यक्रम में हमारे बच्चों को हमारे ही पैसे से ये राम और कृष्ण को अलग किया जा रहा है, हमारी मातृभूमि हमसे छीनी जा रही है, वेद छीना जा रहा है, हमारे महापुरुष छीने जा रहे हैं, एक वीर जाति को। मैंने गांव में कहा कि यदि ये लड़के पढ़े हुए तुम्हारे यहाँ कहीं विदेश में मिलेंगे और तुमने कह दिया कि मैं जाट हूँ तो क्या समझने के गुंडा होता है, क्योंकि पढ़ा है यही 11वीं और 12वीं की पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है। तो पवित्र सज्जनों आप उस ओर ध्यान दीजिए, और जो ध्यान देंगे तो एक ही साधे सब सधे, और ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बहुत कुछ नहीं, पर इनका इनके मस्तिष्क को ठीक कर दीजिए। मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि आशीर्वाद के लिए कहा तो मैंने कहा भाई पहले तो आपको कारगिल से दिल्ली में ले आऊं, क्योंकि मेरा काम दिल्ली से होने वाला है, दिल्ली सारी खुराफात की जननी है, तो वहां से कार्य ठीक हो। और जो 5 चीजें हैं, संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, परंपरा और इतिहास, ये आप उसकी संरक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा, भूखंड की रक्षा तो इन्हीं धारणाओं के साथ हो ही जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के ऐसे विचार होंगे कि अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु, फिर उनको रोकने वाला कौन है? परमात्मा आपको शक्ति दे। ओम शांति शांति।